कीटों के बाद आइए अब राई सरसों में लगने वाली प्रमुख बीमारियों के बारे में जानें। प्रमुख बीमारियां हैं झुलसा रोग, सफेद रतुआ, मृदुरोमल आसिता और चुड़नील आसिता। झुलसा रोग या काला धब्बा रोग सरसों उगाई जाने वाली सभी जगहों में पाया जाता है। इस रोग के कारण पत्तियां, तने एवं फलियों पर भूरे अथवा मटमैले रंग का धब्बा उत्पन्न हो जाता है, जिसमें गोल धारीदार छल्ली देखी जा सकती है। इस रोग के प्रकोप से उपज में 75% की कमी देखी गई है। इसके नियंत्रण के लिए किसान भाई समय पर बुआई करें, फसल को खरपतवारों से मुक्त रखें। ध्यान रहे कि फली बनते समय सिंचाई नहीं करनी चाहिए। फसल के अवशेषों को जला दें। इस रोग के प्रबंधन के लिए किसान भाई कीटनाशक दवा का प्रयोग भी कर सकते हैं। आपको बता दें कि आई प्रोडियोन या मैनकोजेब, जिसे डाइथेन M45 के नाम से जानते हैं, उसे 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 800 लीटर पानी में घोलकर 15 दिनों के अंतराल पर, यानी बुआई के 45, 60 और 75 दिनों बाद अधिकतम 3 छिड़काव किया जाना चाहिए।